हे हेलो एवरीवन, तो कैसे हो दोस्तों। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे आईपीएससी नॉमिनक्लेचर, लेकिन मैंने सोचा कुछ यार मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कुछ इंजॉय लाते हैं, कुछ फनी लाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने फनी वीडियोस के लिए कुछ थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ा सा मूड बदलने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एलॉय, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। फिर भी एलॉय में कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके मूड को फ्रेश कर देंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ यार अब तो कुछ सीख रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री में, ठीक है दोस्तों। तो आइए एलॉय के बारे में कुछ मैं आपको फनी वीडियोस के रूप में एलॉय के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कॉमेडी तो करेंगे नहीं, लेकिन कुछ एलॉय में ऐसे ऐसे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको वो बहुत ही आसानी से लर्न हो जाएगी, प्लस उसमें आपका फायदा है, प्लस एंजॉयमेंट तो होगा ही होगा, फुल एंजॉयमेंट, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को पूरी देखना, और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जरूर बताओ कि आपको ट्रिक्स कैसी लग रही है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एलॉय, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एलॉय क्या होता है और एलॉय मतलब कैसे पूछा जाता है। तो एलॉय देकर सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ एलॉय होता क्या है, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाई सिमिलियर रेडियाई एटम्स, मतलब 15% टू ईच अदर, मतलब 15% टू ईच अदर, क्या मतलब? मतलब जो सिमिलियर रेडियाई के एटम्स होते हैं उनको दे देता है, और एलॉय देकर पूछेगा कि कौन कौन सी मेटल है इसके अंदर। तो एलॉय क्या होती है, वो सिमिलियर रेडियाई के जो एटम्स होते हैं वही आपस में एलॉय बनाते हैं, ठीक है। मतलब उन्हीं से मिलकर एलॉय बना होता है, और वो जो सिमिलियर रेडियाई के जो एटम्स होते हैं 2, 3, 4, 5, वो 15% टू ईच अदर होते हैं, मतलब ठीक है जितना भी उनका देता है वो 15% उनका निकाल लीजिए आप, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एलॉय दे दिया है, अब इसमें पूछा है कौन कौन सी मेटल है, ठीक है। जैसे एक बता दिया है, पीएम करके कुछ दे दिया है, ठीक है, ए दे दिया है, एक बी दे दिया है, ए की अमाउंट दे दिया है 200 PM, और बी की पूछ रहा है एलॉय में बी कितना है, ठीक है। ए की 200 दे दिया, अब 200 का 15% आप निकाल लीजिए। आपको ये भी नहीं आता होगा तो मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, ऐसा तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूँ, कितना तो आपको आता ही होगा कि 200 का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। 200 into 15 into 100 इसका कट 0 कट 15 to 30, क्या मिला आपका 30, ठीक है 30 मिला ना। अब देखिए 200 दिया था, 200 में अगर हम लोग 30 कम कर देते हैं, मतलब 15% या तो कम हो सकता है या तो 15% ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो 15% कम करते हैं तो 170 आ जाता है, 200 में से 30 हमने माइनस कर दिया, और अगर 200 में 30 जोड़ देते हैं तो 230 हो जाता है। 170 से 230 के बीच में इसका रेंज होगा। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन देखकर ही हम लोग क्लियर करते हैं। अब 170 से 230 के बीच में आपको कौन सा नजर आ रहा है 170 से? ना ना ना, ये तो कम है ना, 140 से 170 से भी कम है, लोअर से भी कम है। अब देखते हैं 190, ये तो दोनों के बीच में आ रहा है, और 270 ये तो 230 से भी ज्यादा है। 110 ये देखिए 170 से भी कम है, तो मतलब 170 से 230 के बीच में कौन सा है, 190, मतलब हमारा आंसर क्या हो गया 190 PM, मतलब 190 PM, ये हो गया आपका आंसर एलॉय का। और हमने बता दिया एलॉय आपका क्या होता है, हमने सब कुछ बता दिया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, यार दोस्तों आपके सपोर्ट की खास जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं एक छोटी सी नई वीडियो में छोटी सी ट्रिक के साथ, लैला संग सोल्जर, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।